त्योहारों में मावा और मिठाई के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और अच्छे सामान के साथ डुप्लीकेट प्रोडक्ट को खपाने का काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा मुनाफा कमाना। खैर, इन दिनों विभाग बेहद सतर्कता बरत रहा है और लगातार सैंपलिंग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विभाग खुद उस मुहिम को भूल गया है जो उसने 2 साल पहले शुरू की थी। इस मुहिम में विभाग ने मिठाई बेचने वाले दुकानदारों से मिठाइयों के निर्माण की तिथि से लेकर उसकी गुणवत्ता बने रहने की तिथि अंकित करने की बात कही थी। साथ ही दुकानों में मिठाई की ट्रे पर इसे चस्पा करने को कहा था, लेकिन विभाग खुद की ओर से शुरू की गई इस मुहिम को भूल चुका है और बाजार में बेधड़क दुकानदार बिना कोई ऐसी सूचना चस्पा किए अपनी मिठाई बेचते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिले में अब धीरे धीरे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों पर खरे न उतरने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। घटिया क्वालिटी और डुप्लीकेट कंपनी के रैपर लगे खाद्य पदार्थों का कुमाऊं के बाजारों में पाया जाना अब आम हो चला है। यूपी की तमाम छोटी कंपनियों के घटिया प्रोडक्टों से बाजार भरा पड़ा है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त आंकड़े कह रहे हैं। जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस साल जनवरी माह से लेकर अब तक 195 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 173 की रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें 43 सैंपल अधोमानक, 5 मिथ्या छाप यानी रैपर में गलत सूचना अंकित से संबंधित और 2 प्रोडक्ट असुरक्षित पाए गए हैं जो कि घी कंपनी से संबंधित है। वहीं साल अब तक विभाग की ओर से 62 वाद दायर कराए जा चुके हैं। के त्यौहार को देखते हुए हमारा विभाग हालांकि पहले से ही काम कार्रवाई करता रहता है और जितनी भी तरह की खाद्य पदार्थ हैं सबकी रेगुलर सैंपलिंग करते हैं, लेकिन दिवाली के समय जिस तरह से ज़्यादा डिमांड होती है तो आशंका बढ़ जाती है कि कुछ लोग मिलावटी के सामान बेच सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग लगातार जाँच कर रहे हैं। तो जो लोग बाहर से सप्लाई करते हैं दूध, मावा, पनीर, उन लोगों की गाड़ियों की भी जाँच की जा रही है, और उसके अलावा जो बड़े दुकानें हैं या छोटे सप्लायर हैं खुला बेच रहे हैं, हर तरह के हर कैटेगरी के जो खाद्य व्यापार करता है उनकी जांच करके सैंपलिंग की जा रही है, भेजा जा रहा है, और किसी तरह की कहीं गंदगी या स्वास्थ्य का परिस्थितियों में जा रही है तो उस तरह की कार्रवाई की जा रही है। साल जो जनवरी से हम लोगों ने लगभग इसमें 195 के आसपास नमूने लिए हैं, जिसमें से 173 हमारे पास जाँच रिपोर्ट आई है, और इस 173 में से लगभग 40 सब स्टैंडर्ड हैं और 5 जो लैब रिपोर्ट है वो मिसब्रांडेड हैं, जिसके लेबल में कुछ कमियां मिली हैं, और 2 प्रोडक्ट हमें अनसेफ मिले हैं वो घी के थे, और उनमें भी एक में केस दायर कर दिया हमने CGM कोर्ट में, और एक में कार्रवाई चल रही है, और इस साल लगभग हमने 60 के आसपास केस दायर कर दिए हैं और आगे भी कुछ केस पाइपलाइन में हैं। तो जैसे जैसे हमारी रिपोर्ट आएंगी केस दायर करेंगे और कार्रवाई चलती रहेगी लगातार।